की बात करना चाहता हूं, आप समझ रहे होंगे मेरी पुरान डॉक्टर ज्ञानेंद्र दीपक जी से है, और मैं उन्हें उसी चार मिसरे के लिए जो मैंने भी कुछ देर पहले पढ़ा था कि रंगीन बहारों के जमाने न रहेंगे, आ जाओ कि ये ख्वाब सुहाने न रहेंगे, और तहजीब और तमद्दुन का निशा तक न मिलेगा बस्ती में अगर लोग पुराने न रहेंगे। आइए माइक पर जनाबे डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी। मुझे केशव का एक दोहा याद आता है, यशोदास केशव केसन अस्करी, केशव केसन अस्करी जस अरिहून करा, केशव केसन अस्करी जस अरिहून करा, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह कह जाए। वही आज मेरे साथ हुआ। इस मंच का सबसे छोटा शायर उम्र के नाते सबसे बड़ा शायर मान लिया, ये आपसे होते रहते हैं। बहरहाल आइए दोस्तों, कुछ शेर सुना चाहता हूँ। पहला से मेरी मुलाकात यही हुई है, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, यही मजबूरी है। और कुछ अलग अंदाज के कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। कभी गजल हुस्न इश्क और जाम में फंस के रह गई थी, लेकिन मीर तकी मीर के जमाने से लेके दुष्यंत कुमार तक होती हुई ज्ञान ग्रेवी दीपक तक पहुंची है। इसका एक सफर है। चार विषय हाजिर करता हूं कि दिल दिमाग पर कर दे जादू बोलेंगे, दिल दिमाग पर कर दे जादू बोलेंगे, भरी है जिसमें प्यार की खुशबू बोलेंगे, भरी है जिसमें प्यार की खुशबू बोलेंगे, और हिंदी है हम हिंदुस्तानी भाषा है, हिंदी है हम हिंदुस्तानी भाषा है, हम हिंदी बोलेंगे उर्दू बोलेंगे, हिंदी है हम हिंदुस्तानी भाषा है, हम हिंदी बोलेंगे उर्दू बोलेंगे। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि हम हिंदी बोलेंगे उर्दू बोलेंगे, और जिंदगी में कभी ऐसा गुनाह मत करना, जिंदगी में कभी ऐसा गुनाह मत करना, सितम के सामने नीची निगाह मत करना, सितम के सामने नीची निगाह मत करना, बात अच्छी न लगे तो खुल के बगावत कर दो, बात अच्छी न लगे तो खुल के बगावत कर दो, होके मजबूर कभी वाह वाह मत, खुल के बगावत कर दो, होके मजबूर कभी वाह वाह मत। दोस्तों जो हालात हैं हिंदुस्तान के, अभी बात आई थी इशारों में बात की गई, मैं साफ साफ बात करता हूँ, ये फिरका परस्ती ही दौलत हमारी, ये फिरका परस्ती ही दौलत हमारी, इसी की बदौलत सियासत हमारी, ये फिरका परस्ती ही दौलत हमारी, इसी की बदौलत सियासत हमारी, और ये दीवारें नफरत, सब लोग नफरत से नफरत कर रहे हैं, ये दीवारें नफरत गिराए तो कैसे, इसी पर टिकी है इमारत, इसी पर टिकी है इमारत हमारी। दोस्तों बहुत अच्छा सुन रहे आप, ये फिरका परस्ती ही दौलत हमारी, इसी की बदौलत सियासत हमारी, ये दीवारें नफरत गिराए तो कैसे, इसी पर टिकी है इमारत हमारी। तो दोस्तों ये मुख्तलिफ अंदाज के कुछ शेर, और मैं जनवादी रचनाकार हूँ दुष्यंत कुमार, और मीर तकी मीर के रास्ते पे चलने कोशिश कर रहा हूँ। नजर पढ़ दीजिए अब्र, मुझे तू बार बार, चलिए साहब आपके हुक्म में पहले वही से बात शुरू करता हूँ कि जो आज आधी दुनिया में पहुँचा दिया नाजमों ने, और बीबीसी ने अपनी पत्रिका में मुखपृष्ठ पर जिस शेर को छापा, इस सिद्धार्थ नगर की वो इज्जत है, मैं हाजिर करता हूँ कि वो और लोग होंगे यारो, हिंदुस्तान बोल रहा है सुनिएगा, कि वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं, वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं, हम खोकर पाते हैं सब कुछ वो पाकर खोया करते हैं, हम खोकर पाते हैं सब कुछ वो पाकर खोया करते हैं, अब हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, अब हमें तू बार बार सैलाब की
हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं दोस्तों। ये बड़ा मशहूर हुआ और हमारे तमाम नाजमों ने इसको पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदी उर्दू बोली जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, वहां पहुंचाया लोगों ने। आइए दोस्तों जनवाद के कुछ शेर सुनाता हूं कि वो बाजार में जिंदगी बेचता है, वो बाजार में जिंदगी बेचता है, खुश तो नहीं पर खुशी बेचता है, बाजार में जिंदगी बेचता है, खुश तो नहीं खुशी बेचता है, कैसे बजाता है सरगम की धुन पर कहरवा, बजाता है सरगम की धुन पर कहरवा, है 10 वर्ष का बांसुरी बेचता है, वो बाजार में जिंदगी बेचता है, खुश तो नहीं पर खुशी बेचता है, वो बजाता है सरगम की धुन पर कहरवा, है 10 वर्ष का बांसुरी बेचता है। आइए इसी मिजाज के कुछ शेर और सुनाता हूँ। स्वागत है सर कि सच कहा वो आदमी अच्छा नहीं है, सच कहा वो आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है, खेल खिला कर वो कभी हंसता नहीं है, सच कहा वो आदमी अच्छा नहीं है, खेल खिला कर वो कभी हंसता नहीं है, और दोस्त भी शायद नहीं है पास उसके, दोस्त भी शायद नहीं है पास उसके, क्योंकि उसकी जेब में पैसा है, सिर्फ मेरी खामियां ही देखता है, सिर्फ मेरी खामियां ही आईना उसने कभी देखा, देखता है सिर्फ मेरी खामियां ही आईना उसने कभी देखा नहीं है, आईना उसने कभी देखा नहीं है। और दो तीन शेर और थोड़ा मैंने तल्ख हवाओं की नजरों में गुलशन का अरमान कहाँ है, हिंदुस्तान के हवाओं की नजरों में, शेर सुने तो मजा आ जाएगा कि तल्ख हवाओं की नजरों में गुलशन का अरमान कहाँ है, हंसना फूलों की आदत है मौसम का एहसान कहा, हंसना फूलों की आदत है मौसम का एहसान कहाँ है, जवाब नहीं सर बाबा, हर इस बस्ती का निगाह नहीं है ऊंची लहरें, एक एक घर इस बस्ती का निगल नहीं है ऊंची लहरें, पूछ रहे हो फिर भी हमसे दरिया में तूफान कहाँ है, एक एक घर इस बस्ती का निगल नहीं है ऊंची लहरें, पूछ रहे हो फिर भी हमसे दरिया में तूफान कहाँ है, बांट के रख दिया पूरे हिंदुस्तान को टुकड़े 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 टुकड़े, जितने तन मन उतने टुकड़े, मुनव्वर भाई ने कहा था कि ये शेर अगर मैंने कहा होता तो पूरी दुनिया में चला जाता, दीपक ने कहा इसलिए सिद्धार्थनगर में रह गया, और उस्मान भाई जैसे लोग हैं तो पूरी दुनिया में जाएगा, टुकड़े 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 टुकड़े, जितने तन मन उतने टुकड़े, टुकड़ों से ही पूछ रहा हूँ मेरा जितने धर्मन उतने टुकड़े, टुकड़ों से ही पूछ रहा हूँ मेरा हिंदुस्तान कहाँ है। और बड़ी विडम्बना है, लोग सोचते होंगे कि ये आदमी कैसे कहता है इस बात को कि नाम तेरा नीलाम हो रहा राजनीति के चौराहों पर, नाम तेरा नीलाम हो रहा राजनीति के चौराहों पर, मेरे राम बता दे तेरा आसरा संभाल का, नाम तेरा नीलाम हो रहा, नाम तेरा नीलाम हो रहा राजनीति के चौराहों पर, मेरे राम बता दे तेरा आज सरासन बांध कहाँ है, एक ब्राह्मण बोल रहा है मेरे राम बता दे तेरा आज सरासन बांध कहाँ है, कि नाम तेरा नीलाम हो रहा राजनीति के चौराहों पर, मेरे राम बता दे तेरा आज सरासन बांध कहाँ है। और एक फलसफा का शेर हो गया है जो मुझे बहुत अजीज है, शायद आपको पसंद आए, एक पाखुरी किसी सुमन की लेकर जरा गौर से देखो, एक पाखुरी किसी सुमन लेकर जरा गौर
से देखो, कभी पूछना नहीं पड़ेगा कार्टन में भगवान कहाँ है। क्या बात है सही, क्या बात, जिंदाबाद। एक पाखुरी किसी सुमन की लेकर चला गौर से देखो, क्या बात, कभी पूछना नहीं पड़ेगा कार्टन में भगवान कहाँ है। क्या बात, जोर देखकर तूफानों का माने आचर डाल दिया है। जोर देखकर तूफानों का माने आचर डाल दिया है। जलना तो मुश्किल है दीपक, बुझना भी आसान था।